सिंगरौली के एनटीपीसी के अंदर से कुछ दिन पूर्व गायब हुए पंप ऑपरेटर अजीत दुबे का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया है। 6 दिन पहले ड्यूटी से गायब हुए अजीत दुबे का शव मिलने से क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। गौरतलब है कि ड्यूटी के दौरान पंप ऑपरेटर अजीत दुबे अचानक गायब हो गए थे, जिसका शव 6 दिन बाद बरामद हुआ है, जिसके बाद एनटीपीसी विंध्यानगर में बवाल मच गया। वहीं घटनास्थल के बाहर मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।